जल ही जीवन है, भाग दो। इस वीडियो का उद्देश्य है समझना है कि भूजल स्तर में कमी के क्या कारण हैं। पिछले वीडियो में आपने पानी के महत्व के बारे में जाना था। आपने ये भी देखा कि हालांकि धरती 70% पानी से भरी है, हमारे लिए सिर्फ 0.007% पानी ही उपयोग लायक है। आपने ये भी जाना कि भूजल स्तर अलग जगहों में अलग अलग रहता है। आज हम इस वीडियो में भूजल स्तर में कमी और इसके कारणों के बारे में जानेंगे। चलिए हम जुगनू और राजेश के पास फिर चलते हैं। अरे जुगनू, पता है मेरे पिताजी कह रहे थे कि हमारे खेतों में फिर से पानी की समस्या हो गई है। जल स्तर नीचे होने की वजह से खेतों में पानी की काफी कमी है। ओहो, तो फिर अभी क्या करेंगे? पिताजी कह रहे थे कि खेत में पानी के लिए और ज्यादा खुदाई करने की आवश्यकता है और कल शायद फिर से खुदाई करेंगे। हमारे गांव में बारिश ज्यादा होती है तो जल स्तर भी अच्छा होता है और हमें पानी की भी कमी नहीं होती। हाँ, ये तो सच बात है। अरे सरपंच चाचा, यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो पूछते हैं। नमस्ते चाचा, आप यहाँ कैसे? नमस्ते बच्चों, हम यहाँ पानी के लिए हैंडपंप लगाना चाहते हैं। इस गांव में सिर्फ 2-3 हैंडपंप ही हैं और हमारे गांव के लिए ये काफी नहीं होंगे। गांव की जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जल की उपलब्धता कम हो जाने पर हमें कुछ जगहों पर और गहराई तक खोदना पड़ रहा है और कुछ और हैंडपंप भी लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। अच्छा, हमें स्कूल जाना है, हम फिर मिलेंगे चाचा जी। बच्चों, रेगिस्तानी इलाकों में पानी की बहुत कमी होती है, क्या आप बता सकते हैं कि इसके क्या कारण हैं? अभी विज्ञान की कक्षा में हम मास्टर जी से जल स्तर के बारे में और पूछेंगे। नमस्ते मास्टर जी। मास्टर जी, हम आपसे भूजल स्तर की कमी के बारे में पूछना चाहते थे। नमस्ते बच्चों। मास्टर जी, मैं सोच रही थी कि जल स्तर कैसे कम हो जाता है। जितना पानी कुदरती तरीकों से जमीन के नीचे इकट्ठा होता है वही तो जल स्तर होता है ना? बारिश का पानी जमीन में रिसता है और जल स्तर को बनाए रखता है, पर अगर हम खुदाई करके बहुत ज्यादा पानी निकालने लगेंगे तभी तो ये जल स्तर गिरेगा, है ना? ठीक कहा लता ने, हमने 3 दिन पहले ही जल दिवस मनाया था। पूरे देश में हमारे गांव जैसे कई इलाकों में पानी की कमी है, इसके कई कारण हैं। मास्टर जी, बढ़ती हुई जनसंख्या एक कारण है, हमने इसके बारे में पढ़ा था। तुमने ठीक कहा, क्या आप में से कोई बता सकता है कि जनसंख्या वृद्धि भूजल स्तर को कैसे प्रभावित करती है? मास्टर जी, मुझे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। जब ज्यादा लोग ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं भूजल स्तर कम हो जाता है। पानी की मांग और आपूर्ति में अंतर की वजह से हम सभी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की उपलब्धता कम हो जाने के चलते भूजल पर भी दबाव बढ़ा है। जनसंख्या बढ़ने से ज्यादा घरों, दुकानों, भवनों, कार्यालयों,
पक्की सड़कों इत्यादि के निर्माण की मांग बढ़ जाती है। कृषि भूमि, उपवनों, वन क्षेत्र, मैदानों जैसे खुले क्षेत्र कम हो जाते हैं। मास्टर जी, इससे क्या होगा? इसके कारण भूमि में वर्षा जल का रिसाव का दर कम हो जाता है। पक्के फर्शों से पानी का रिसाव नहीं होता। खुली जमीन, कच्ची सड़कों और खेतों में पानी आसानी से जमीन में रिस सकता है। सही तो है, जब हम पक्की सड़क पर पानी फेंकते हैं तो बहुत देर बाद सूखता है, लेकिन अगर हम मिट्टी पर पानी डालेंगे तो मिट्टी पानी को जल्द सोख लेती है। और घर बनाने और निर्माण कार्य में भी कितना भूजल इस्तेमाल होता है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि हमारे कारखानों में कौन सा जल इस्तेमाल होता है? मेरे पिताजी के कारखाने में भूजल ही काम में आता है। ठीक कहा मीना ने। चाहे वे छोटे उद्योग हों या बड़े उद्योग, सभी में भूजल का ही इस्तेमाल होता है। ज्यादा औद्योगिकीकरण भी भूजल स्तर की कमी का कारण है। मास्टर जी, खेती भी तो जल स्तर में कमी का कारण है। हम सब खेती के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। अगर बारिश नहीं होती तो हम भी भूजल पर निर्भर होते हैं। इस वजह से भी भूजल स्तर कम होता जा रहा है। सभी ने काफी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। भारत एक बड़ा देश है। कुछ जगहों में काफी बारिश होती है और कुछ में बहुत कम। जहां पर बारिश कम होती है वहां तो भूजल स्तर काफी कम होता है। तो हमें भूजल के स्तर को कम नहीं होने देना है, और इसके लिए तो कई उपायों को सोचना पड़ेगा। आप ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिनको करने से भूजल का स्तर गिरने से बचाया जा सकता है। बच्चों, आपने इस वीडियो में भूजल के स्तर में कमी के कुछ कारणों के बारे में जाना है। वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण में वृद्धि तथा कृषि में विस्तार होने से जल की मांग बढ़ती जा रही है। जल संरक्षण आज की आवश्यकता बन गई है। अगले वीडियो में आप जल प्रबंधन के बारे में जानेंगे। ये भी जानेंगे कि पानी के बचाव में हमारी क्या भूमिका है। फिर मिलेंगे।